हम लोग बोलने वाले अभी जो गेम ओपन कर रहा हूँ तो ऐसे दिखा रहा है कि मेंटेनेंस आएगा, वो भी 5:30 बजे के बाद खुलेगा। तो कहीं इसमें क्या क्या आने वाला है, मतलब इस मेंटेनेंस में क्या क्या आने वाला है, तो पहले से ही देखते हैं। मतलब अभी गेम ओपन नहीं होगा, तो अभी एक अच्छी बात है कि क्लैश स्क्वाड में ग्रैंड मास्टर आया हुआ है। ग्रैंड मास्टर जो हमारा बैटल रॉयल में था ओरिजिनल, वो आ गया है सीजन 7 में। तो एक M10 का कालर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी Gold 3 में। मतलब ऐसे बहुत कुछ है, नया गन भी आने वाला है। देखो अभी UZI इसका नाम है, अभी मैकलारेन के साथ इन लोगों ने दोस्ती कर लिया। अभी क्या होने वाला है, चलो इसमें देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। चलो 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। आ गया। अभी देखो जब आप लोग उसको पैच नोट पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को ऐसा एक पेज आएगा। इस पेज में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि क्लैश स्क्वाड इसमें बताया हुआ है कि मतलब जो लोग हीरोइक में 1000 रैंक में जाएगा, हीरोइक के 1000 रैंक में जाएगा 1 से 1000 तक, तो उन लोगों को 1 से 100 तक मिलेगा ग्रैंड मास्टर 1। इधर आप लोग देख सकते हो, इधर ग्रैंड मास्टर 1 आप लोग देख सकते हो। और 101 से 300 प्लेयर के बीच में आपको ग्रैंड मास्टर 2 मिलेगा, जो लोग पहुंचेगा उधर तक। और 301 से 1000 तक जो लोग पहुंचेगा उन लोगों को ग्रैंड मास्टर 3 का रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और क्या क्या ऐड होने वाला है, थोड़ा बहुत वेंडिंग मशीन ऐड होने वाला है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। मतलब क्या क्या मिलेगा, अभी एडेड एमओ और रिपेयर किट इन दी वेंडिंग मशीन। मतलब आप लोगों को अभी स्नाइपर एमओ भी मिल जाएगा, एआर एमओ भी मिल जाएगा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा उस वेंडिंग मशीन में जहाँ से हम लोग कॉइन लेके ख़रीदते हैं वो भी। और रिवाइवल पॉइंट्स, मतलब कुछ रिवाइवल पॉइंट्स का टाइम जो है वो बढ़ा दिया है, और कूल डाउन जो 150 सेकेंड में होता था वो 180 सेकेंड में होगा। और पहले रिवाइवल पॉइंट था एक गेम में 9, तो अभी वो कम होके 8 होने वाला है बस। अभी रैंक पॉइंट मतलब इसको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में चेंज होने वाला है शायद, हाँ वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि मतलब एयरशिप अभी स्पेशल स्पेशल जोन में मिलेगा। आप लोग ऐसे देख सकते हो, इधर से गाड़ी भी खेल सकते हो, चैट इमोजीज भी आप लोग चैट कर सकते हो। और 1 vs 1 जो हमारा मुक्का का जो था वो क्या बोलते हैं ना उसको, बॉक्सिंग, वो भी होगा। पेट रंबल होगा। गाइस ये मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी न्यू वेपन एंड बैलेंस देख सकते हो आप लोग, मिनी यूजी ये गन आने वाला है, ये शायद पिस्तल की तरह ही होगा, हाँ शायद। और वो जो नया आया था M1917 ये वाला गन आप लोग देख सकते हो। अरे क्या यार क्या खुला, COD Kar98, इन लोगों का क्या होने वाला है, न्यू ग्रेनेड आने वाला है, आइस ग्रेनेड, न्यू ग्रेनेड आने वाला है। इसका डैमेज देगा, 100 डैमेज देगा, और रेडियस 5 मीटर तक होगा, मतलब 5 मीटर तक वो जाएगा। अभी न्यू वेपन देख सकते हो, इसका बेस डैमेज है 17 और इसका रेट ऑफ फायर है 0.055, मतलब उतना ज़्यादा पता नहीं। मैगजीन इसमें 18 लगेगा, और इसमें कुछ अटैचमेंट लगेगा, मतलब स्कोप या तो फिर वो जो साइलेंसर वगैरह लगता है वो वाला, कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब पिस्तल की तरह ही होगा शायद। और वो जो दो हाथ में लेने वाला M1917 जो बंदूक था उसका डैमेज थोड़ा बढ़ा दिया है, 45 कर दिया, और उसका इफेक्टिव रेंज भी बढ़ा दिया 25%। मतलब अगर पहले 100 मीटर तक था तो अभी 125 मीटर तक हो जाएगा शायद, वैसा ही दिया है। अभी क्वाड का भी एक्यूरेसी 28% बढ़ा दिया है, और रेट ऑफ फायर मशीन गन में 25% बढ़ा दिया है। अगर आप लोग गुलवाल में मारोगे तो पहले 100 देता था, अभी 120 देगा। उसके बाद M60 है, Kar98 है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अभी गेम प्ले का सिस्टम में थोड़ा चेंज आ गया है लगता है, बम के लिए अलग सा मतलब लेना पड़ेगा, और गुलवाल के लिए अलग सा लेना पड़ेगा शायद, देख सकते हो आप लोग।
एडिशनल यूटिलिटीज ग्रेनेड स्लॉट। हाँ अभी एडिशनल यूटिलिटीज एंड ग्रेनेड स्लॉट आप लोग देख सकते हो कि ग्रेनेड के लिए अलग से आपको सेटिंग करना पड़ेगा और ग्लोवाल के लिए अलग से सेटिंग करना पड़ेगा। न्यू सेटिंग टू ग्रेनेड स्लॉट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अभी ये दो देख सकते हैं आप लोग क्या बोला है। न्यू सेटिंग टू ग्रेनेड स्लॉट्स नाउ अवेलेबल इन दिस सेटिंग मेनू। अभी गेम वॉइस कमांड्स आ गया, क्विक मैसेज आप लोग वॉइस करके शायद बता सकते हैं। हाँ इन गेम वॉइस कमांड अवेलेबल, आप लोग वॉइस करके भी बता सकते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं। अभी कैरेक्टर्स पेट, न्यू कैरेक्टर आने वाला है डीबी, उसका कैरेक्टर का तो पता नहीं अभी, उतना अच्छा नहीं पता क्योंकि उतना मेरे पास उतना सर्वर नहीं है कि देख के आपको बता सकते हैं तो, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन ज़रूर बता सकते हैं आप लोगों को। न्यू पेट आने वाला है डॉक्टर बेनी, देख सकते हैं आप लोग। डॉक्टर डिड समवन कॉल ए डॉक्टर, क्या यार। पालोमा जो पहले कैरेक्टर था उसका मतलब पालोमा इज नाउ द रियल क्वीन ऑफ आर्म्स, यू गाइज आस्क्ड एंड वी डिलीवर्ड, क्या यार। चलो क्लू भी हो गया, चलो बग फिक्स थोड़ा उसको चेंज करना पड़ता है, बस ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट भी कर देना ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हर रोज़ बना पाओ। थैंक यू सो मच, अच्छे से रहना, बाय बाय, टाटा।